बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आज हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है विटामिन ए। ये भी विटामिन सी की तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन इट इज़ अ फैट एंटीऑक्सीडेंट, जबकि विटामिन सी हमें पता है वाटर सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करता है। तो ये हमारे फैट्स को ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेटिव स्पीशीज से बचा के रखता है। तो इसकी मेन फॉर्म जो है विटामिन ई की, दैट इज़ द अल्फा टोकोफिरोल। इसके अलावा भी अल्फा, बीटा, गैमा टोकोफिरोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है अल्फा टोकोफिरोल्स। तो अल्फा टोकोफिरोल जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इन 1922। जब हमने इसे देखा कि फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद सप्लीमेंटिंग अल्फा टोकोफिरोल, के फूड में अगर हम सप्लीमेंट के तौर पर ऐड करें तो फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टोकोफिरोल का मतलब है टू बियर ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल बना देना किसी को। इसी वजह से हमने इसका नाम जो है वो टोकोफिरोल रखा है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को, फ्री रेडिकल्स जो इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं, उससे बचा के रखते हैं ये जो विटामिन ई है। और ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड और टिश्यूज़ में और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करता है। इसकी फॉर्म्स जो हैं विटामिन ई की, तो फोर डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं नेचुरली। तो वो जो फोर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दे आर अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल, गैमा एंड डेल्टा टोकोफिरोल। अब सब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो फर्स्ट रिंग है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स जो हैं उनके नंबर और उनकी अरेंजमेंट का फ़र्क है, कि यहाँ पोजीशन एक्स, वाई और जेड पर अगर तीनों पर मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हैं तो अल्फा टोकोफिरोल हैं, अगर सिर्फ एक्स और जेड पर हैं, वाई पर एब्सेंट हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है बीटा टोकोफिरोल। इसी तरह से अगर वाई और जेड पर मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हैं तो गैमा, और अगर सिर्फ जेड पोजीशन पर अवेलेबल है मिथाइल ग्रुप तो ये कहलाता है डेल्टा टोकोफिरोल। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट वन है इसमें वो है इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन सब में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एंटीऑक्सीडेटिंग प्रॉपर्टी है इसमें, या एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट के तौर पर, कि ये यहाँ हाइड्रोजन जो है वो अलहदा होता है, और हाइड्रोजन जो है वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी स्पीशीज़ को देता है तो उसे कर देता है रिड्यूस, तो ज़ाहिर ऑक्सीडेशन से बचा के रखता है हमारे मॉलिक्यूल्स को ये हाइड्रोजन जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके चीज़ों को। तो इनमें से एक हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं जो सेल के बाहर की तरफ होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। हमें बताएं हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बनी हुई होती हैं लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर, और लिपिड्स में एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल हैं और फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर सरफेस पर अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएं और यहाँ पर कोई ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो प्रोड्यूस हो जाएं, तो वाटर सॉल्यूबल विटामिंस या वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स तो ज़्यादा इजीली इस मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर अगर यहाँ ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो जाएं तो ऐसे विटामिंस या ये जो अल्फा टोकोफिरोल है ये मूव करता है इनटू लिपिड, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल होने की वजह से विटामिन ई जो है वो हमारे मेम्ब्रेन में के इंटरनली बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है या रिड्यूस करता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, बाय डोनेटिंग इट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसके हेक्सागोनल हेड पर अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो हेक्सागोनल हेड जो है वो नियर द सरफेस ही स्टे करता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जबकि टेल जो है वो अंदर इंसर्ट कर जाती है, और टेल अंदर जाके खुद ऑक्सीडाइज होती है। जब यहाँ पर अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो अवेलेबल हैं तो वो इस टेल को कर देंगे ऑक्सीडाइज, और ये टेल ऑक्सीडाइज होने के बाद उस ऑक्सीडेशन को शिफ्ट करेगी यहाँ हाइड्रोक्सिल के पास। तो हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके टेल को दोबारा से करेंगे रिड्यूस, और खुद जो है हाइड्रोजन जो है वो असल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल से हमारी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं उन ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ को जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स में जो वो बन जाती हैं, तो मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। विटामिन ई खुद एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है, इसको दोबारा से रीजनरेट होना पड़ता है। तो लिपिड रेडिकल्स जो हैं जो ऑक्सीडेटिव थे वो खुद रिपेयर हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं, कैसे, कि विटामिन ई जो है वो प्रोवाइड करता है इन्हें इलेक्ट्रॉन्स।
तो जब विटामिन ई ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके ये तो रिपेयर्ड मॉलिक्यूल हो गए, तो विटामिन ई खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। अब जो ऑक्सीडाइज्ड विटामिन ई है इसको रिड्यूस करता है विटामिन सी, कि विटामिन सी जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और वो रिड्यूस कर देता है इस विटामिन ई को दोबारा से, ताकि विटामिन ई दोबारा हमारी मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से या फ्री रेडिकल से। और विटामिन सी जब उसकी ऑक्सीडाइज्ड, वो खुद भी रीजनरेट होता रहता है ग्लूटाथियॉन से या नियासिन से, जो NADH की सूरत में इसे जो है वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन और इसे रिड्यूस करते रहते हैं। तो साइक्लिक वे में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिड्यूस करते हैं या ऑक्सीडेटिव स्पीशीज से बचा के रखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एंटी ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी जो है इसकी वो न्यूट्रलाइज करती है फ्री रेडिकल्स को, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को, और इम्पॉर्टेंट वन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जो फैट सॉल्युबल टोकोफिरोल्स हैं ये परफेक्टली सुइटेड हैं मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करने में और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करने में। अब ये कैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह से कंट्रोल करता है विटामिन ई, ये हम डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और जब वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो इनके साथ अटैच होकर इनको फैसिलिटेट करती हैं ताकि ये ट्रांसपोर्ट हों। तो जब भी फैट्स के साथ प्रोटीन लगेंगी, लिपिड्स के साथ प्रोटीन लगेंगी, तो ये बन जाएंगी लिपोप्रोटीन्स। जैसे कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रोटीन्स मिलती हैं तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स जो है मूव करता है। तो हमारा लिवर जो है वो बनाता रहता है लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये जो LDL हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम द लिवर। और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑक्सीडाइज होके ये जो LDL हैं ये डिपॉजिट हो सकते हैं हमारे आर्टरीज में इन द फॉर्म ऑफ प्लाक। तो इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स फिर कन्वर्ट होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, और ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर में वापस ट्रांसपोर्ट करें और वहाँ पर जाके इसको कन्वर्ट करें बाइल में, ताकि वो डाइजेशन में इस्तेमाल हो सके आफ्टर द ब्रेक डाउन। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं जो ब्लड में वो एलिवेट होते रहते हैं, उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इन्हें कर देते हैं ऑक्सीडाइज, तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं हमारी आर्टरीज़ में और एक्यूमुलेट होते रहते हैं वहाँ पर, और फैटी स्लैब्स बना देते हैं आर्टीरियल वॉल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाने का, जिससे आर्टरीज जो हैं बंद हो जाती हैं और ये फिर सबब बन सकते हैं हमारे हार्ट प्रॉब्लम का या कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। तो जब भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं उनका लेवल जो है वो हाई हो जाए, खसूसी तौर पर जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कि फ्री रेडिकल्स उन्हें कर देते हैं ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो स्टिम्यूलेट करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफाजिस। तो ये मैक्रोफाजिस जो हैं वो अगेन अटैक करते हैं LDL पर फ्री रेडिकल्स को यूज़ करके, जिस वजह से LDL जो है वो कन्वर्ट होता रहता है ऑक्सीडाइज्ड LDL में। ना सिर्फ LDL खुद कन्वर्ट होता रहता है बल्कि जो हमारे मैक्रोफाजिस होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये भी फिर मिलते हैं ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में LDL के साथ और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के साथ, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के साथ मिलके वो कन्वर्ट होते हैं फॉर्म सेल में। और ये जो फॉर्म सेल होते हैं ये एक दूसरे के साथ डिपॉजिट होके मिल के हमारी आर्टरी को कर देते हैं बंद, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ब्लॉकेज कर सकें ये फिर कॉरोनरी आर्टरीज में और हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। तो विटामिन ई जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करता है LDL को ऑक्सीडेशन से? तो लिवर हमारा जो है वो बनाता है एक प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा टोकोफिरोल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये जो अल्फा टोकोफिरोल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये इनकॉर्पोरेट करती है अल्फा टोकोफिरोल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं जब भी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं इस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को, तो अगर उनके पास अल्फा टोकोफिरोल अवेलेबल हैं तो ये जो अल्फा टोकोफिरोल या विटामिन ई है ये खुद तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को करेगा
प्रोटेक्ट। तो जब हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो ज़ाहिर है ये कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में, और ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बनेंगे ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ज़ाहिर है फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर में बैक, जहाँ पर जाके वो बाइल में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अभी हमने देखा कि यकीनन ये जो अल्फा टोकोफिरोल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है वो विटामिन ई को लोड कर देती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में, लेकिन कुछ और जो हैं वो भी सेम रोल प्ले करते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं टोकोफिरोल जो हैं वो एलडीएल में। तो हाफ ऑफ द सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ विटामिन ई जो हैं वो लोड नहीं हो सकती एलडीएल में, जिस वजह से फिर ज़ाहिर है एलडीएल जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, और ऑक्सीडाइज होके वो हमारे मैक्रोफाजिस को सबब बनते हैं कि कन्वर्ट कर सकें फॉर्म सेल में, और फॉर्म सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाने वाले प्रॉब्लम्स। तो एक तो रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ऑक्सीडाइज होकर ब्लॉकेज का सबब बनते हैं, जैसे यहाँ पर हमें हार्ट अटैक हो गया है पेपर देख के। विजन हमारा इम्पेयर हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मसल कोऑर्डिनेशन पुअर हो सकती है, और रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकती हैं। ज़ाहिर है हमने कहा था कि ये जो है वो मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो ज़ाहिर मेम्ब्रेन जब प्रोटेक्ट नहीं होंगी तो रप्चर हो सकती हैं और रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो सकती है। विटामिन ई की एक और फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज टोको ट्राइनोल्स, ये ज़्यादा पोटेंट है, मोर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है देन दैट ऑफ द टोकोफिरोल, लेकिन ये पुअरली असिमिलेटेड होते हैं और बॉडी से ज़्यादा इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। पाम ऑयल रिच सोर्स होता है टोको ट्राइनोल्स का, तो ये हमारी स्किन जो है वो इन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है, इसी वजह से इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट लोशन के तौर पर या क्रीम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। विटामिन ई के सोर्सेज हैं, विटामिन ई जो है पाम ऑयल में प्रेजेंट है, कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड हैं जैसे, सीरियल्स हैं, एग्स हैं जैसे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है ये।